ओके गाइस, तो आज हम रिव्यू करेंगे इस डायरेक्टिस हेलमेट का ऑब्वियसली। और ये बहुत ही मुझे सही लगा, क्योंकि ये जो ऑफ रोडिंग में आपको बचा सकता है, लिटरली मेरे को बचाया, तो ये एक रिव्यू तो डिज़र्व करता है। वी आर ऑल गोइंग आउट नाउ, टूर पे आए थे एडवेंचर ट्रेल्स KTM के साथ, ऑल ऑफ द KTM बाइक्स। आधे लोग निकल चुके हैं, हम अभी आधे निकलने वाले, ऑल सेट अप टू गो। हेलमेट के अंदर से ही अभी बाकी का हेलमेट का रिव्यू देंगे, वैसे दिखता बहुत सही है ये। तो जी हाँ, हेलमेट का अभी रिव्यू कर लेते हैं। निकल चुके हम लोग एयरकट से और चले वापस चेन्नई की तरफ। हेलमेट काफ़ी अच्छा है, लिटरली ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्रैश टेस्टिंग करके देखा हुआ है, मतलब मैं ही कल उड़ गया था, तो इसीलिए मैं हेलमेट का बना रहा हूँ भाई। हेलमेट ये दूसरा हेलमेट होता, अगर टूरिंग हेलमेट होता, मुँह के बल शायद मेरा हैंडल या कुछ तो आके लगा था मेरे मुँह के आसपास, इम्पैक्ट आने ही नहीं दिया। वेदर इट इज़ गुड फॉर हाईवेज, नहीं एकदम ही नहीं, ये हाईवे पे नहीं चल सकता। दो मैं इसके साथ 150 किलोमीटर तक भागाया कल, मतलब 150 km/h मैं टक डाउन करके चला रहा था, ऐसे ऐसे करके टक डाउन होकर चला रहा था। जो सीन है, इसको तो आप 150 लेके जा ही नहीं सकते, इस हेलमेट को उड़ के चला जाएगा मुंडे के ऊपर से, एकदम इधर जो खींचता है ना, ये उड़ के लेके चला जाएगा। बेस्ट है कि इसको आप कम स्पीड में चलाओ, 80 के बाद से ना थोड़ा बहुत वो जो विंड वाइब्रेशन है वो आने लगता है। बेस्ट है धीमे धीमे चलो, ठीक है, कोई हड़बड़ी करके इसको हाईवे पे तो नहीं चलाना है। कमिंग ऑन टू द लाइनर्स जो इसके अंदर है, परफेक्टली मेरे को मेरे चीक पे फिट होता है। ये थोड़ा सा आगे की तरफ जो दिख रहा है ना, ये मेरे फेस को परफेक्टली आता है। इसका जो एक्सटेंडेड बेक आता है, ये सामने सामने देखने में पता चलेगा, ये एक एक्सटेंडेड बेक है। ये कल थोड़ा बहुत काम में आया था, क्योंकि आगे से डायरेक्ट सनरेज जब आ रहा था, तो ये बीक मतलब हाँ थोड़ा सा तो कर लेता है काम यार, मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता। तो रिव्यू के साथ साथ मैं इसका अनबॉक्सिंग भी डाल देता हूँ, क्योंकि वो फिर आपको हेल्प परचेस करने में आपको हेल्प कर सकता है कि वेदर ये आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है, ये आपको फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। क्योंकि ये सेगमेंट में ना SMK भी है, आई थिंक SMK हैज़ मच मोर पॉपुलरिटी देन दिस वन। और SMK, ये मैं L साइज़ वाला हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ, SMK वाला जो L साइज़ है वो मुझे फिट नहीं बैठ रहा था। और मुझे पता नहीं क्यों, मैं पूरा चेन्नई जो 1000 लाइट्स एरिया है, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द राइडिंग गियर्स आपको मिलते हैं, हेलमेट से लेके जो भी बाकी जैकेट्स हो, टॉप बॉक्स, पैनियर्स, एवरीथिंग, दैट्स द गो टू प्लेस फॉर राइडिंग गियर्स इन चेन्नई। उधर मेरे को ये हेलमेट क्या बोलते हैं, एल साइज़ वाला ही मिल रहा था, मुझे एम साइज़ वाला मिला ही नहीं, मतलब एक साइज़ डाउन मुझे मिल ही नहीं रहा, मतलब किसी के पास नहीं मिला था। सो आई हैड टू गो विद द एक्सर, और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मतलब एक्सर को लेके इट्स सो गुड। इवन मेरा जो टूरिंग वाला हेलमेट है वो भी एक्सर है, उसको भी लेके मेरे को कोई इशू नहीं, इट्स सो डैम परफेक्ट, सो डैम गुड। थोड़ा सा रुक जाता हूँ। हेलमेट कुछ ऐसा है, ये बिग के साथ आता है, ये जो बिग है, ठीक है, तो इसको हम इजीली टाइट कर सकते हैं। ये जो नॉब है इसको बस घुमा लो, जैसे कि मुझे ऊपर चाहिए तो ऊपर उठा के मैंने इसको घुमा लिया, तो ये हो गया, टाइट हो गया, अब नहीं लगा। बिग का और एक ख़ास बात है कि ये एक्सटेंडेबल है, तो ये ठीक ठाक अच्छा खासा एक्सटेंड हो जाता है। एंड अगर डायरेक्ट सनरेज आए इसके ऊपर तो आँखों पर नहीं जाएगा, मतलब मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ डिपेंडिंग अपन जैसा सिचुएशन है, राइट। और इसको जो टाइट करना होता है तो हाथ से ही टाइट कर सकते हैं, इसके लिए हम लोगों को कोई एक्सटर्नल स्क्रू नहीं चाहिए। अंदर एक्सॉर का ब्रांडिंग, सामने आगे एयर वेंट्स, ये एल साइज़ है मेरा, मोस्टली मैं एक्सॉर का एम साइज़ यूज़ करता हूँ, बट इसका एल साइज़ मुझे परफेक्टली फिट आ रहा था। वेंट्स देखा जाए, इधर आगे दो हैं, ऊपर इधर वेंट्स हैं, इधर भी वेंट्स हैं, ऊपर भी वेंट है, इस साइड भी वेंट है, इधर भी वेंट है, ये दो बड़े वेंट्स हैं,
आगे की तरफ ये दो बड़े वेंस हैं, ओके, पीछे दो आउटलेट्स हैं, ये रहा दो, शायद ये आउटलेट्स फंक्शनल है कि नहीं पता नहीं, बट अंदर से थोड़ा सा दिख रहा है। और या तो ऐसे ये टोटल मैंने काउंट किया था 10 के आसपास वेंट्स है इसमें। नीचे आ जाते हैं, ये रहा इसका स्ट्रैप, डबल डेरिंग, मेरे कहने पे तो ये बेस्ट, सेफ्टी के मामले में ये बेस्ट है, राइट। क्विक रिलीज नहीं है इसमें, जो पैडिंग है वो क्विक रिलीज नहीं है, बट नॉर्मल जो वॉशेबल होते हैं वही है। अंदर की तरफ और देखा जाए तो ये रहा जो इंटरकॉम के होल्स रहते हैं, ये दिया हुआ है, बट आई डोंट थिंक इंटरकॉम इज़ मच यूजफुल इन यू नो ट्रेल्स और समथिंग, बट हाँ लोग यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अंदर भी स्पीकर पॉकेट्स दिए हुए हैं कि अगर किसी को ब्लूटूथ इंटरकॉम डालना है, अपने ग्रुप के साथ बात करके ट्रेल्स पे जाना है ट्रेल्स के टाइम, तो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा कुछ है ग्राफिक। और मेरे को ये एल साइज एक बार दिखा देता हूँ, मतलब अच्छा खासा स्नग फिट आ रहा था। इधर आप देख सकते हैं मेरा जबड़ा जो है वो दबा हुआ है, तो दबा होने से क्या होता है, नहीं हिलेगा नहीं, निकल के बाहर नहीं आ जाएगा। अगर मैं एक हल्का सा बलकलवा पहन लेता हूँ और भी ज़्यादा एकदम चिपक के बैठ जाएगा, राइट। तो इसके साथ जो एमएक्स गॉगल लिया था मैं वो पहले दिखा देता हूँ। ये कुछ दो गॉगल्स हैं, राइट, इसको थोड़ा सा एक्ट कर लेते हैं ऐसा, इसको भी साइड कर देते हैं। ये वाला गॉगल्स अगर हम इस पे फिट करें, हेलमेट में फिट करें, तो ऐसा अंदर बहुत सही से बैठ जा रहा है एकदम, राइट। तो इसका कुछ ऐसा लुक आता है, राइट। इधर एक नोज गार्ड दिया हुआ है, नोज गार्ड, तो अंदर वाला जो नोज गार्ड दिया हुआ है उसको मैंने उतार के फेंक दिया, क्योंकि अंदर वाला नोज गार्ड उतना ज़रूरी है नहीं, और वो आकर रहा था। ये देखा जाए तो ये मैंने ऐसे ऊपर भी कर सकता हूँ, नीचे नहीं करूँगा, क्योंकि नीचे का सीन ऐसा है कि मैं नीचे गोप्रो माउंट करूँगा, तो उसके लिए नहीं कर सकते। तो ये रहा जो दूसरा वाला गॉगल, गॉगल को बड़ा कर लेता हूँ, ये रहा जितना बड़ा हो सकते हो गया, इसको मैंने पीछे खींच लिया। और ये इसमें नोज गार्ड लगा हुआ है, तो नोज गार्ड लगा हुआ जो सीन होता है वो कुछ ऐसा होता है, क्योंकि वो अकड़ जाएगा इधर। इसको भी हम अंदर डाल सकते हैं, ऐसे दबा देंगे तो ये अंदर चला जाएगा, ये ऐसे अंदर चला गया, बट ये मुझे नहीं लगता कि इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोड सिचुएशन आप अगर इसको खींच के बाहर निकाल दो, मतलब ये ऐसे करके अगर आप इसको निकाल दो तो ये निकलेगा नहीं, इससे टफ थिंग ना। तो इसका नोज गार्ड निकाल लो अगर आप इस हेलमेट में यूज़ कर रहे हो तो, राइट। तो इसका नोज गार्ड निकाल देना ही बेस्ट है। एसएम के यूज़ कर रहे हो तो रहने दो, खोल दो, रहने दो, वो आपके ऊपर है, बट ये वाला हेलमेट यूज़ कर रहे हो तो मैं तो पर्सनली बोलूँगा कि निकाल ही दो। कमिंग बैक, और क्या क्या मिलता है, और दोनों पैकेजेस में सेम है। ये रहा पाउच, इस पर आप इसको कैरी कर सकते हो। ये इसका जो क्लीनिंग क्लॉथ्स है, फिंगरप्रिंट मैग्नेट है दोनों ही, जो गॉगल्स फिंगरप्रिंट मैग्नेट जैसा काम करता है, हाथ लगाओ फिंगरप्रिंट आ जाएगा वैसा, तो ये घुमाने का नहीं। एक आता है ये टीयर ऑफ्स, जो कीचड़ मिट्टी में आप लोग जब ट्रेल राइडिंग करोगे तो ये टीयर ऑफ्स काम में आएंगे। एक एक्स्ट्रा टीयर वाइजर, जिसको आप पूरा इसका साइड वाइज खोल के इसको निकाल के आप लगा सकते हो, 10 मिनट का काम है कोई अगर नया बंदा कर रहा है तो, अगर पुराना कोई कर रहा है एक्सपीरियंस है 5 मिनट का खेल है। ये आता है एक मैनुअल, जिस पे आपको लिखा हुआ है कि कैसे इसको खोलना होता है, कैसे लगाना होता है, बाकी के लेंसेज चेंज करने होते हैं। बाय द वे दिस आर ऑल कॉल्ड लेंसेस, ये डिफरेंट वेरिएंट्स ऑफ लेंसेस जो मिलता है। ये मेरा जो लेंस है ये है 2 वाला, इधर 2 मतलब इंटेंसिटी कितना डार्क होगा
जितना नंबर ज़्यादा उतना ये डार्क होगा, तो 2 मतलब सबसे ज़्यादा डार्क इसके अंदर से दिखेगा। और ये वाला जो लेंस है, ये वाला आता है 1 में, मतलब ये मीडियम इंटेंसिटी वाला है, ठीक है। ये दोनों ही आप रात को ना ही पहना तो ही अच्छा है। ओके, तो एक चीज़ भूल गया था वो कि इसका बेस्ट बाय डिस्क्रिप्शन लिंक मैं डाल दूंगा उधर अपने डिस्क्रिप्शन पे, और ये ऑटो पावर्स के जो वेबसाइट है उधर से मिलेगा। अमेजन का सेलर भी ऑटो पावर्स ही है, तो बेस्ट है कि उनके साइट से ही खरीद लो। रक्षाबंधन के टाइम खरीदा था तो डिस्काउंट मिल गया था, अच्छा खासा 200 रुपये के आसपास डिस्काउंट मिला था, तो पता नहीं वो डिस्काउंट चल भी रहा है कि नहीं। कमिंग बैक, मैंने क्यों बोला था कि ये वाला मुझे उतना खास पसंद नहीं, क्योंकि मैं अपना टूरिंग जो हेलमेट है वो भी एक्सर का ही है, उसके लिए मैं लॉन्ग गियर्स का बैग यूज़ करता हूँ। अंदर पैडिंग वेडिंग बहुत सुंदर मस्त है एकदम, इसमें मोटो ब्लॉगिंग सेटअप वेटअप सब कुछ करके रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा बाकी का जो भी सेटअप होता है, ये ऐसे आता है, ये कुछ है। कभी इसका सेटअप के बारे में भी बात कर लेंगे, इस जुगाड़ के लिए क्या करें, क्योंकि वो बैग छोटा होता है, कैसे ऐसे हेलमेट तो उस बैग में घुसने से रहा, तो उस बैग मतलब उस इस जैसे हेलमेट के लिए वैसा ही एक बैग मिलता है डट सैक का, सेम है, पैडिंग क्वालिटी बहुत ही मस्त है, नो डाउट इधर से पकड़ के भी समझ सकते हो, मतलब मोटा वाला पैडिंग है, 2 स्टिकर्स जैसे आए थे वैसे ही पड़े हुए हैं। इसका लिंक मैं अमेजन का डाल दूंगा, इसको अमेजन में ख़रीदा था। मोस्टली अमेजन में ख़रीदने का एक ही अच्छा चीज़ होता है कि 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है, जो कि ना ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से मिलता है। मैं अपने बैंक का मतलब प्रमोशन तो नहीं कर रहा, बट जिसको 5% डिस्काउंट चाहिए ले लो, मैं कार्ड डिपार्टमेंट का हूँ नहीं तो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं। तो ये कुछ आएगा ऐसा, ओके, और इसको सिंपल ऐसे करके इधर इस साइड से इधर उसको थोड़ा लूज कर लेते हैं, वो जो हेड वाला है मतलब जो बिक है, बिक बोल सकते हैं इसको, तो वो बिक अगर नीचे दब जाता तो बिंदास, यू जस्ट कैरी लाइक दिस। अगर आपको कुछ क्विक एक्सेस चीज़ें चाहिए अंदर से तो इसको निकाल लो, इसके अंदर आपके ग्लव्स व्लव सब कुछ फंसा लो, अंदर डाल लो, बहुत जगह है, काफ़ी जगह है, सब कुछ घुस जाएगा। ये आप आराम से फ्लाइट लाइट में भी कैरी कर सकते हो, अगर कहीं जा रहे हो रेंट पे बाइक लेके जाना है कहीं पे, हमेशा नहीं हो पाता खुद का बाइक लेके जाना, खास करके हम लोग जब चेन्नई से जिनको जाना होता है पहाड़ों में बाइक चलाने के लिए, हमेशा छुट्टी उतना नहीं मिलता, तो हम जाके उधर से बाइक रेंट करते, मनाली हो या श्रीनगर हो कहीं से भी, तो उनके लिए ये बेस्ट चीज़ है। ऐसे लेके चले जाओ, कहीं भी गिरे पटके कुछ नहीं होने वाला, हर जगह पैडिंग मस्त है, तो आप डायरेक्टली मिलते हैं बाइक पे। तो अभी हम हेयर कट के जंगल में भटक रहे हैं, तो इसके साथ ना जो हेलमेट है इसके साथ कोई गॉगल्स आता नहीं है, तो इट्स बेटर यू बाई गॉगल्स अलॉन्ग विथ इट, नहीं तो पूरा खाली खाली दिखता है। एंड कमिंग टू द विजिबिलिटी, इसका बहुत सही विजिबिलिटी है यार, इधर से लेके इधर तक ऊपर मतलब ज़्यादा दिखता है। टूरिंग हेलमेट में ना ऊपर ज़्यादा नहीं दिखता, नीचे ज़्यादा नहीं दिख पाते हो, भाई ट्रेल्स पे लेके जाओगे कैसे, मतलब जा तो सकते हो भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, जा सकते हो, बट दिक्कत होगा तुम्हारे परफॉर्मेंस पे, क्योंकि वो ना एक इंटर बैरियर जैसा काम करेगा तुमको। कोई भी प्रोटेक्शन देख लो, वो थोड़े बहुत हेवी होते भी हैं, और इट क्रिएट्स अ बैरियर फ्रॉम योर फ्री फ्लो, जो तुम्हारा फ्री फ्लो रहता है उसमें से थोड़ा बहुत बैरियर तो करेगा ही, कुछ नहीं कर सकते। क्रिकेट में भी पैड पहनोगे, पैड उठेगा नहीं, हिलेगा नहीं, बहुत टाइम लगता है थोड़ा सा यूज्ड टू होने में उसके साथ। सिमिलर थिंग, इसका भी सेम थिंग है, दो अगर टूरिंग हेलमेट से इसका कंपैरिजन किया जाए, सो टूरिंग हेलमेट एक्सल का आता है 1600 ग्राम का, ये आता है 1300 ग्राम का, और इसमें एक चीज़ है ना, हाथ में भी लेके आप समझ पाओगे भाई ये लाइट वेट है, लाइक लिटरली लाइट वेट, कोई ज़्यादा वेट नहीं है इसमें, मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर तुम हेलमेट पहन के देखो तो कोई वजन फील नहीं होता, इट्स सो डैम गुड वेट, इसका वेट जो डिस्ट्रीब्यूशन है।
और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपको अगर ट्रेल्स कर रहे हो बहुत देर तक दिन में, जैसे हम लोग कल किए, ऑलमोस्ट सनडाउन हो चुका था जब हम ट्रेल से वापस आ रहे थे, एंड वी स्टार्टेड आवर डे वेल इन द मॉर्निंग, लाइक बहुत ही अर्ली मॉर्निंग मैंने स्टार्ट किया था कल, मतलब बहुत ही अर्ली मॉर्निंग नहीं, मतलब अर्ली मॉर्निंग ही किया था, 6:30 अगर आपको अर्ली मॉर्निंग लगता है तो अर्ली मॉर्निंग है, नहीं तो मॉर्निंग है, मेरे लिए तो अर्ली मॉर्निंग है भाई, मैं तो कभी उठता भी नहीं हूँ उस टाइम पे। तो हाँ, तो यही था मेरा एक्सपीरियंस एक्सर के साथ। मैं कुछ कुछ क्लिप्स डाल देता हूँ हाउ थिंग्स वेयर इस रिव्यू के साथ, तो आपको प्रैक्टिकली पता चलेगा कि सीन कैसा है। ओके, क्योंकि प्रैक्टिकली ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें ही ना मैं रिकमेंड करूँगा, नहीं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। Yeah, fine.